हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू बैंकिंग आईक्यू। और बैंकिंग आईक्यू में हम लोग आज डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर 2018 के सारे करंट अफेयर्स। और यह वीडियो हिंदी में होगा। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी आज बनाई है, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस के सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इन्फ्लेशंस और भी NPCI डिजिटल बैंकिंग भी उसमें है। ओके, और भी आप कोई टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, फेयर कंसेशन रिसेंटली अनाउंस बाय इंडियन रेलवे फॉर ट्रांसजेंडर सीनियर सिटीजन्स। तो ट्रांसजेंडर सीनियर सिटीजन के लिए इंडियन रेलवे ने अभी फेयर कंसेशन की घोषणा की है। और ये जो कंसेशन मिला है उनको, वो मिला है 40%। ओके, 40%। और हमारे जो रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल, और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो हैं अश्वनी लोहानी। अश्वनी लोहानी, आगे बढ़ते हैं। विच बिल विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग रेगुलेटर सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। तो एक बिल पेश किया गया है, इनफैक्ट 3 बिल पेश किए गए हैं अभी हाल में, और कैबिनेट ने उन तीनों बिल को पास कर दिया है। पहला अभी हम बात करेंगे होम्योपैथी, और भी दो हैं जिनको मैंने कवर किया है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसकी बात करेंगे। तो ये बिल जो है ये पास किया गया, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका जो रेगुलेटर था पहले, सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, इसको ये बिल रिप्लेस करेगा। और इस बिल का नाम है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2018। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप UPSC या फिर SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, क्योंकि UPSC अब इन सब चीज़ों पे ही खेल रही है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकती है। आगे बढ़ते हैं। और हमारे लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक गॉट नोड फ्रॉम RBI टू ऑपरेट अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो RBI ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को हरी झंडी दे दी है कि वो अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरह वर्क कर सकते हैं। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है थ्रीसर में, थ्रीसर केरला। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है IBPS PO मेंस में कि थ्रीसर कहाँ पे है। ओके, तो आप ये ज़रूर याद रखें कि थ्रीसर केरला में है, और ये केरला से ऑपरेटेड 5वां बैंक होगा, 5th बैंक फ्रॉम केरला। ओके, अगर हम बात करें किसी भी कमर्शियल बैंक की, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है कमर्शियल बैंक के लिए वो होती है 500 करोड़, और किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 100 करोड़, और 100 करोड़ ही पेमेंट बैंक के लिए भी होती है। ओके, और इसमें 3 और स्मॉल फाइनेंस बैंक दिए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है जयपुर में, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है वाराणसी में जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे प्रधानमंत्री का, और उज्जीवन फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, यानी कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ अमरावती हाई कोर्ट, तो अमरावती हाई कोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट हाई कोर्ट है, और ये 1 जनवरी 2019 से कार्यरत होगा। ओके, और ये 25th हाई कोर्ट होगा भारत का। तो इसके जो चीफ जस्टिस बने हैं वो बने हैं चंगारी प्रवीण कुमार। यहाँ पे रंजन गोगोई हैं तो ये CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और गोविंद माथुर ये चीफ जस्टिस अलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट। एंड अलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं किया जाएगा। ओके, वो फैसला भी आ चुका है। और गीता मित्तल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पहली महिला चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच बिल कैबिनेट अप्रूव्ड टू प्रमोट अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 बिल पास किए गए हैं, तो ये दूसरा बिल है जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में लाया है। और ये जो बिल है वो एग्जिस्टिंग रेगुलेटर जो है सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, ओके, इसको रिप्लेस करेगा। और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है, और जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को बचाएगा ये। ओके, एंड
अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएगा। आपको पता है कि आयुष्मान भारत की शुरुआत हो चुकी है, आयुष्मान भारत को लॉन्च किया जा चुका है, तो उसके तहत ये कदम उठाया गया है ताकि सबको जो हेल्थ केयर सर्विस है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके। ओके, तो ये जो बिल है वो है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2018। ओके, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2018। और ये तीनों बिल जो ड्राफ्ट किया गया था और जो पेश किया गया था, रखा गया था कैबिनेट में, वो रखा गया था लॉ मिनिस्टर के द्वारा। लॉ मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। रीजनल समिट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च्ड टू इन्हेंस द स्किल ऑफ लोकल पीपल वाज हेल्ड इन। तो ये जो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और ये जो रीजनल समिट था, ये पहला रीजनल समिट इसका हुआ था और ये हुआ है वाराणसी में, वाराणसी में हुआ है। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पे थे, उत्तर प्रदेश के दौरे पे, तो उन्होंने गाजीपुर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है और महाराजा सुहेल देव के नाम पे पोस्टल स्टैम्प जारी किया था, सुहेल देव। ओके, और वाराणसी में उन्होंने छठा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, सिक्स्थ। ओके, तो आप याद रखेंगे। तो ये हुआ था वाराणसी में रीजनल समिट। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ सबमिटेड इट्स सिक्स्थ नेशनल रिपोर्ट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द हेडक्वार्टर ऑफ CVD इज बेस्ड इन। तो भारत ने छठा नेशनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। ओके, किसको किया है? तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये रिपोर्ट सबमिट किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, और ये CVD है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रल कैनेडा में, मॉन्ट्रल कैनेडा में। और मॉन्ट्रल कैनेडा में ही इंडियन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, और अगर हम बात करें CVD की, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो ये 29 दिसंबर 1993 को फोर्स में आया था, मतलब उस दिन इसका ये कार्यरत हुआ था। ओके, और इसमें 150 कंट्री हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया बाय 137 रन्स इन मेलबर्न टेस्ट एंड रिटेन्ड विज ट्रॉफी। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रन से तीसरे टेस्ट में हरा दिया है। और ये जो टेस्ट था, ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, जो कि MCG ग्राउंड पे खेला गया था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड है। और MCG के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर कोई भी क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाता है तो उसका जो भी जो आप कह सकते हैं कि जो मापदंड होता है वो MCG ही तय करती है, मतलब MCG के रूपरेखा पे ही कोई भी ग्राउंड को मान्यता दी जाती है वर्ल्ड में। ओके, सो आप इसको याद रखेंगे। सो ये जो ट्रॉफी थी वो थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जब ऑस्ट्रेलिया भारत में आई थी, व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज टूरिंग टू इंडिया, देन इंडिया हैड वोन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और अब जाके ये सीरीज 2-1 पे है, तो भारत ने इस ट्रॉफी को रिटेन कर लिया है। अगर भारत चौथे टेस्ट में हार भी जाती है तो भी ये ट्रॉफी भारत के पास ही रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एशेज कप खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, और एशिया कप खेला जाता है एशियन कंट्रीज के बीच। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2019 इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2019 का आयोजन होगा जनवरी 13 जनवरी 14 को, और ये होगा बीकानेर राजस्थान में। ओके, और जनवरी 15 से कुंभ स्टार्ट होने वाला है प्रयागराज में, कुंभ 2019, तो वो स्टार्ट होगा जनवरी 15 से। ओके, आगे बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अमेंडमेंट इन पॉस्को एक्ट ऑफ 2012 एंड द एक्ट इज़ रिलेटेड टू। तो पॉस्को एक्ट में ये संशोधन किया गया है, और ये जो पॉस्को एक्ट है ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ को रोकने के लिए बनाया गया है। पॉस्को का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन
फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। और अब इस लॉ को और भी ज़्यादा सख्त बना दिया गया है, और इस लॉ में जो अमेंडमेंट किया गया वो मैं आपको बता दूं कि 12 साल से कम, 12 साल या 12 साल से कम बच्चों पे अगर यौन उत्पीड़न होता है तो उसके लिए अब जो सज़ा की गई है वो कर दी गई है फांसी की, ओके, डेथ पेनल्टी हो। और पॉस्को एक्ट 18 साल तक के पर्सन, मतलब जो भी 18 साल से कम है उन पे अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मृणाल सेन डाइज एट 95, ही वॉज अ नोटेड। तो मृणाल सेन एक बंगाली फिल्म मेकर थे, बंगाली फिल्म मेकर थे, और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला था, तो आप याद रखेंगे। और सोशल वर्कर की बात करें तो नाना चुड़ासमा और सुलगित्ती, सुलगित्ती अम्मा, सुलगित्ती अम्मा जो थी वो सोशल वर्कर थी, उनकी भी डेथ हो गई है। और एक म्यूजिशियन है, एक गायक है असम की, जिनको नाइटेंगल ऑफ असम भी कहा जाता है, उनका नाम है दीपा बड़ ठाकुर, दीपा बड़ ठाकुर, तो इनका भी देहांत हो गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इनको नाइटेंगल ऑफ असम कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी होस्टेड हाई मास्ट फ्लैग टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ ट्राई कलर होस्टिंग बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन। सो मोदी जी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो अंडमान निकोबार के दौरे पे हैं, और प्रधानमंत्री के रहते हुए वो, मतलब जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका पहला दौरा है अंडमान निकोबार पे, आइलैंड पे, और इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में ये हाई मास्ट फ्लैग फहराया है, ये झंडा फहराया है, और ये झंडा 150 मीटर ऊंचा है, ओके, 150 मीटर ये इसकी हाइट है। तो और ये जो 75th एनिवर्सरी की बात की जा रही है तो 30 दिसंबर, यानी सेम डे 30 दिसंबर दो 1943, 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने ये झंडा फहराया था उसी जगह पे, ओके, अंडमान निकोबार में ही, पोर्ट ब्लेयर में ही फहराया था, ओके, तो आप याद रखेंगे। और वीर सावरकर एयरपोर्ट जो जो सावरकर के नाम पे रखा गया है वो है पोर्ट ब्लेयर में। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।